आप सभी को जय श्री राम। कल सुबह मेरे गांव में अखंड कीर्तन शुरू होने वाला है, तो अखंड कीर्तन शुरू होने से पहले ब्राह्मण जी का बहुत काम होता है, तो काम रात में ही कर रहे हैं क्योंकि अखंड कीर्तन कल सुबह जल्दी शुरू हो। तो आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहें, मैं पूरा अखंड कीर्तन दिखाऊंगा। कुछ ब्राह्मण गांव से ही हैं और कुछ ब्राह्मण को पटना से बुलाया गया है, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें। इस अखंड कीर्तन में तरह तरह की आकृतियां बनाई जाती है जो आप देख रहे हैं। यह अखंड कीर्तन गांव के ही देवी मंदिर के पास हो रहा है, जिस मंदिर को मैं पहले वाले वीडियो में दिखाया था, उसी स्थान पे हो रहा है अखंड कीर्तन। सब हैं ये सुअर खाने में सब हैं ये बोलिए 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 बोलिए
यह अखंड कीर्तन में हरे राम हरे कृष्ण के साथ 24 घंटे का अखंड कीर्तन होगा। अखंड कीर्तन शुरू होने से पहले जो पूजा पाठ होती है वो अब खत्म होने वाली है। अब इसके तुरंत बाद अखंड कीर्तन शुरू होगा। Hare Rama Hare Rama
अखंड कीर्तन 24 घंटा पूरा हो चुका है। अब उसके बाद आरती हो रही है। इस आरती के बाद हम लोग चलेंगे महादेव स्थान, जहां उनकी पूजा होगी। हम लोग महादेव स्थान जाने के लिए वहां से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं महादेव स्थान। सब लोग गाते बजाते महादेव स्थान जा रहे हैं, जो कि महादेव स्थान गांव में ही है। Yeah.
अब हम लोग महादेव स्थान पहुंच गए हैं। अब महादेव स्थान भगवान की पूजा हो रही है। Yeah.